आइए दोस्तों, आप लोग को दयम ग्रुप में स्वागत है। तो आज का विषय रहेगा एज के बारे में, क्योंकि पार्ट टू में पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट वन तो पढ़ा चुका हूँ, तो देखिए पार्ट टू में एज के वायु संबंधी क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहा हूँ, वो सब मॉडरेट क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें किस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ रहता है रेलवे में। तो चलिए बात न बनाते हुए क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाए। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से 4:1 है। देखिए दोस्त, एक मैन है और एक उसका पुत्र है, यही है ना। तो इसका कितना है, 4x, तो इसका x, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब बोला ये दोनों का गुणनफल, तो 4x * x बराबर क्या दिया हुआ है, 196 वर्ष। ठीक, अब इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, x² इसे काट दीजिए तो आ जाएगा आपका 49। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7। नहीं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट होता है। x बराबर तो 7 आ जाएगा, यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब जिसका पूछे उसको कर दीजिए, 2 वर्ष बाद पूछे, 5 वर्ष बाद पूछे, तो क्या बोल रहा है, x बराबर तो 7 आ गया मेरा। तो सच्चों को इसका कितना हो जाएगा, 28 और इसका 7। तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष, तो जब मैन बढ़ेगा उसका पुत्र भी तो बढ़ेगा, तो 7 × 5 = 12 आई 33। तो 12 वर्ष पुत्र का आ गया और मैन का आ गया 33 वर्ष, लेकिन अनुपाती संख्या पूछ रहा है, तो काट दीजिए, 3 × 11 और 3 × 4 = 12। नहीं, तो 4 11 = 4 आ जाएगा। आशा कर रहा हूँ कि समझ गए होंगे। तो चलिए कर लिया जाए, वो क्या कह रहा है स्क्रीन पर देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, तो उनकी उम्र का योग 61 वर्ष है। देखिए दोस्त, एक राम है, राम एक लक्ष्मण और एक भरत। देखिए इस क्वेश्चन में आप एक चीज इम्पोर्टेंट देख लीजिए दोस्त, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन क्या है कि जो दे दिया है। अब जो का मतलब कि हम राम के बारे में सोचेंगे कि लक्ष्मण के बारे में। तो देखिए दोस्त, अभी आप लोगों को कन्फ्यूज हो रहा है, मैं सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि रीजनिंग जो है सीटिंग अरेंजमेंट का उसमें सब दिया हुआ है। शेक पूछेगा तो किसके लिए करेंगे, के लिए देगा तो किसके बारे में बोल रहा है, जो रहेगा तो किसके बारे में। तो चलिए मैं जो क्वेश्चन उस पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए भारत का 100 हो जाएगा, होगा ना, और जो बोल रहा है जो 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष कौन बड़ा है, लक्ष्मण ही बड़ा है, तो इसका हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। नहीं, और राम को क्लियर है कि लक्ष्मण से 5 वर्ष बड़ा है, तो राम का कितना हो जाएगा, x + 9, इसका तो क्लियर है, इसका तो आप समझ रहे होंगे। कंफ्यूज हो रहा है जो में, तो जो में समझ गए ना किसके लिए बोला जाएगा, जब भी जो बोलेगा तो जब दूसरे के लिए हो जाएगा। अब प्रथम तो समझ में आ रहा, तो क्या हो जाएगा, x x x 3x 3x, 9 × 4 = 13, योग कितना दिया हुआ है, 61 वर्ष है ना। अब 3x बराबर जब 61 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 48, तो x बराबर काट दीजिए तो 16 x = 16 वर्ष, तो x किसका मान है, भरत का, तो मान भरत का आ गया 16 वर्ष, तो लक्ष्मण का कितना आ जाएगा, लक्ष्मण का आ जाएगा 20 वर्ष, अगर जिसका पूछे लक्ष्मण का पूछेगा तो 20 वर्ष, राम का पूछेगा तो 25 वर्ष, राम का पूछ रहे तो 25 वर्ष। तो हम आशा कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग से अब नहीं छूटने वाला है। तो मैं यही उम्मीद लेके आप लोग के मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो भी क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को भिड़े और आप लोग परिपूर्ण होकर आए, उसके बाद मेरा नाम ऊंचा करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है। बोला 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक है, तथा उनकी आयु का अनुपात दे दिया है 3, 5, 7, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगा। देखिए दोस्त, औसत में जब भी पूछ देगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, 3 गो तो लड़का है और 35 वर्ष दिया हुआ है, तो कुल कितना वर्ष हो जाएगा, 35 + 105 वर्ष, तीनों का कुल 105 वर्ष हो जाएगा। अनुपाती संख्या दिया हुआ क्या, 3, 4, 5 नहीं 3, 5, 7, अनुपाती संख्या दिया हुआ है, एगो के 3 है, एगो के 5 है और एगो के 7 है, तो सब में तो x लगा रहेगा अनुपाती संख्या में, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 105 तो कुल हो गया, तो ये हो गया कितना, 15 x = 105, काट दीजिएगा तो कितना, 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7, x का मान जब 7 आ गया, आप जिसका पूछ दे, 12 का पूछ दे,
छोटा का पूछ दे तो ज्यादा करके तो ही ना पूछता है, तो छोटी संख्या कौन सा होगा? तो छोटी संख्या तो 3 है ना, तो 3 × 7 तो कितना आ जाएगा, 21 वर्ष। क्या 21 वर्ष आएगा ना? अगर बड़ी संख्या पूछ देता तो 49 वर्ष। तो आशा कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को बिना पेन चलाए हुए दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट डाल दूंगा कि आप धड़ाधड़ बना के आएंगे, देखते ही छू मंतर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, पंकज अरुण तथा कमल के वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष। कौन कौन है दोस्त? एक पंकज है ना, और एक अरुण है और एक कमल है। ये दोनों का वर्तमान दिया हुआ कितना, 72 वर्ष, यही दिया हुआ है ना, 72 वर्ष। तो बोल रहा है क्या, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 4-3-5 है। तो 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 4-3-5 दिया हुआ है। तो 8 वर्ष बाद तो देखिए तो वर्तमान में तो 72 है, तो हम क्या करेंगे? पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं आप लोग को, अगर दिक्कत है तो आप इसका पहले वीडियो भी देख ले। तो बेसिक से मैं बताते आ रहा हूँ, आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वर्तमान में 72 है, तो 8 साल बाद लाएंगे, तो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 3=24 जोड़ देंगे। नहीं, अगर एक होकर 8 वर्ष बढ़ेगा तो दूसरों को भी तो 8 वर्ष बढ़ेगा, तीसरों को भी तो वही बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी बढ़ेगा उस और दूसरा आदमी का नहीं बढ़ता है, नहीं, जब भी बढ़ेगा तो तीनों को बढ़ेगा। तो 8 + 3=24 वर्ष वर्तमान में ला दीजिए तो कितना हो जाएगा, 96 वर्तमान में आ जाएगा, 96 वर्ष, और सॉरी 8 वर्ष बाद आ जाएगा 96 वर्ष। अब तीनों का जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 5, 12 × x = 96, तो x = 8, नहीं, x = 8। अब जिसका पूछे उसको कर दीजिए। तो क्या पूछ रहा, बोल रहा है अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है, वर्तमान उम्र में दोस्त। तो हम लोग अभी इसका क्या है, 8 वर्ष बाद, तो अरुण तथा कमल, अरुण कौन है, 3 है और इसका 5 है, यही है ना। तो करेंगे 8 + 3=24, इसका करेंगे 8 × 5=40 वर्ष। ये हो गया किसका, अरुण का, ये हो गया कमल का। तो अरुण तथा कमल के वर्तमान आयु में अंतर, तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे, इसमें 8 घटा देंगे ना, तब ना वर्तमान, ये तो बाद 8 वर्ष पहले बाद का है, इसमें भी 8 वर्ष घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 32, ये आ जाएगा 16। अब अंतर पूछ रहा है ना, अनुपात तो पूछ नहीं रहा है, अगर अनुपात पूछता तो 1:2, अंतर पूछेगा तो 16 वर्ष ना, दोनों में कितना का अंतर है, तो 16 वर्ष, एक वर्ष 16 वर्ष है, वो है दुगना वर्ष का, यानी 32 वर्ष का। तो आशा कर रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं अभी आप लोग को 0 से 1 हीरो बना दूंगा, क्योंकि अभी बेसिक से ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग के सामने ला दूंगा कि आप लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन हमसे सोल्व होगा। अब क्या बोला है, राम और मोहन की आयु का अनुपात 4-5 है, राम और अनिल। अच्छा देखिए दोस्त, एक कॉमन क्या है, राम राम है, तो ऐसा क्वेश्चन में जब भी कॉमन रहता है उसको मीडियम में कर देते हैं, नहीं पहले ही बता दूँ। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, मोहन फिर राम, तो मोहन का कितना है, 5 है ना, और राम का 4 है, पहले 4-5 दिया हुआ है, लेकिन जब इसको उलटे हैं, मोहन इधर लाए हैं राम इधर लाए हैं, तो इसको भी उलट लीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अब है राम और अनिल, तो राम का कितना है, 5 है, और अनिल का कितना है, 6 है ना। अब इसको कर दीजिए 25, इसको कर दीजिए 20, क्योंकि कोई बता चुके हैं कि इसको ऐसे, इसको इस तरह का, इसको इस तरह का, तो 20 × 6=24। अब दिया हुआ है तीनों का योग 69 वर्ष, तो ये तो x है, तो कितना हो जाएगा, इसको भी जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 69x = 69, तो काट दीजिएगा तो x के बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जिसमें गुना कीजिएगा 25 से कम 25, तो मोहन का पूछे तो 25 वर्ष, राम का पूछेगा तो 20 वर्ष, अनिल का पूछेगा तो 24 वर्ष। तो समझ रहे होंगे, तो चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्त, आज मैं आप लोग के लिए इतना ही वीडियो, फिर कल मैं थर्ड पार्ट में आप लोग के लिए इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए तो आप लोग को पहले मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल वीडियो में।